दोस्तों आज हम देखेंगे क्या होता है इस फैमिली के साथ जो बिना टिकट के पैसे दिए इस पार्क में लेजर लाइट शो का आनंद ले रहे थे। इतिहास में पहली बार आज एक बेटी को अपने बाप का जेब काटते हुए भी देखने वाले हैं हम। दोस्तों आज का दिन बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि पहली बार हम हमारे बरहमपुर के फैंस लोगों से मिलने जा रहे थे, इसलिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे। बिना देरी के हम पहुंच जाते हैं शहर के बीचों बीच मौजूद रामलिंगेश्वर पार्क में। दोस्तों मेरे हजारों लाखों फैंस के वजह से अभी ये रोड जाम होने वाला है। ए चल, कितना फेंकता है रे तू? कौन है बे? ए भाई जल्दी आप पैसे निकाल। अबे चिंदी, कभी तो खुद से पैसे निकाल लिया कर। अबे आना यार, कब तक भाई के टुकड़ों में जिएगी बे तू? ले रे ले तेरा पैसे। अबे ये भी क्यों दे रही है, रख ले अपने पास। ठीक है दे दे। अरे मम्मी कुछ बोल ना इसको। कुछ 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 ले, बोल दिया। अंदर एंटर करते ही हमने जो देखा हमारे होश उड़ गए। कहां है रे तेरे फैंस? अरे पापा ढूंढिए ना। अरे हाँ दिख रहे हैं वहाँ पे दो लोग। अरे पापा वो दो सिक्योरिटी गार्ड है। इन मछलियों का भी फैन फॉलोइंग है दुनिया में, पर सिद्धि दास का एक भी फैन नहीं है। सिद्धि भाई बिग फैन, बिग फैन। अरे वाह, कुछ गिफ्ट लेके आए हो क्या मेरे लिए? अरे हाथ क्या मिला रहे हो, गिफ्ट दो यार। हेलो सिद्धि भैया, तुम भी खाली हाथ आए हो क्या? जी भैया। अगली बार खाली हाथ मत आना। ओके भैया, ग्लोव्स पहन के आ जाऊंगा। दोस्तों मिलिए मेरे एक छोटे से फैन से, ट्यूशन छोड़ के मुझसे मिलने आया। काय का फैन कौन हो तुम भाई? तुमने तो मुझे जबरदस्ती बुलाया इधर। अरे बहन बहुत हो गया, मीटअप अब निकलते हैं चल। ओके दीदी, बिग फैन बिग फैन। वाओ आप लोग मेरे फॉलोअर्स हो? ओ गॉड सॉरी, मुझे लगा आप दिनचक पूजा हो। सॉरी सॉरी, दिनचक पूजा के भी फैंस है पर हमारे नहीं है। देखते देखते शाम ढल गई पर फैंस का अता पता नहीं मिला। भाई मुझे लगता है हमारे फैंस नहीं चाहते कि इतना फैन फॉलोइंग देख के हमारे मन में घमंड आ जाए, इसीलिए शायद कोई नहीं आया मिलने। दोस्तों यहाँ शाम ढलते ही बहुत ही आकर्षक लेजर लाइट शोज होते हैं, जिसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। पर आज हमारे घर वाले आपको ऐसी तरकीब बताएंगे जिससे आप ये शो फ्री में देख पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो लेजर लाइट शो शुरू हो चुका है और यहाँ पार्क के चारों तरफ पर्दा डाल दिया गया है। और सिर्फ 30 रुपए बचाने के लिए हमारी फैमिली पर्दे के नीचे बने गैप में आंखें घुसा के शो देखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि अचानक अंदर से किसी ने पापा को हथौड़ा मारा। बहुत रिस्की है रे भाई इधर से देखना, हथौड़ा मार रहे हैं साले। इतनी सारी असफलताओं के बाद हमारी बहन का दिमाग गर्म हो जाता है। माहौल को ठंडा करने के लिए हम चंदन लस्सी में पहुंच जाते हैं। तुम सब भी इसी में से थोड़ा थोड़ा पी लेना, ठीक है? एक ही ग्लास में लस्सी पीने से प्यार बढ़ता है। ओके दूंगी दूंगी, सबको दूंगी, टेंशन मत ले। ये काजू किशमिश जो कचरे पड़े इनको मैं पहले साफ कर लूं। व्हाट? लो भाभी इसमें से दो दो बूंद बांट लो आपस में। अबे पोलियो की दवाई पिला रही है क्या? अब हम निकल पड़ते हैं लड़कियों का स्वर्ग कहे जाने वाले अन्नपूर्णा मार्केट की तरफ। ए भाई चल चल जल्दी निकाल पैसे। अबे भिखारी कब तो अपने पैसे यूज कर। पागल, इस मार्केट में लड़कियां अपने जेब से पैसे नहीं निकालती हैं, पाप लगता है। और ये प्रथा सालों से चली आ रही है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। ये कितने में दे रहे भैया? 10 रुपया दीदी। 5 रुपए में देते नहीं होगा दीदी। पैर पड़ रही हूँ तुम्हारा, अब तो दे दो। ठीक है फिर 6 रुपए में तो दे दो। नहीं दीदी। 7 रुपए में दे रहे क्या? नहीं दीदी। अरे चल 8 में दे दे रहे भाई। अरे दीदी नहीं होगा यार। ठीक है तुम्हारी मर्जी। देखो भैया अभी भी मैं यही खड़ी हूँ, चाहो तो तुम पीछे से बुला सकते हो। नहीं दीदी डोंट वरी, मैं नहीं बुलाने वाला। ओके फिर। ये पापा मुझे एक भी चीज खरीदने नहीं दे रहे, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, जैसे हम लोग कोई मैराथन में चल रहे हैं। ओह नो। अरे बेटी नहीं नहीं उधर मत देख, आज बुधवार है, ये लोग बुद्धू बना के लूट लेंगे। पापा जी के इन हरकतों से परेशान होके फाइनली हमारी बहन ने जो कदम उठाया मानव इतिहास में आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, आज एक बेटी अपने ही बाप का जेब काट गई, वो भी रात रहाड़े। एक मिनट, ये रात रहाड़े क्या होता है? अबे जब दिन दहाड़े हो सकता है तो रात रहाड़े क्यों नहीं? ये देखो दोस्तों इस सेल्फीज को, अकेले अकेले खा के पेट भरे जा रही है बस। थोड़ा सा दे हमको भी। सॉरी। अरे किससे उम्मीद लगाए बेटा है तू, ये खुद अपने घर वालों को एक हड्डी तक नहीं दे रही है, तुझे क्या देगी? Oh, no. अरे कम से कम वो हड्डी देते, हम काम चला लेंगे। No, पापा, sorry. देख लास्ट टाइम पूछ रहा देरी के नहीं। No, no, no. फिर हम पहुंच जाते हैं फेमस पीड़ा होटल में यहाँ का मटन पुलाव ट्राई करने के लिए। पुलाव इतना टेस्टी था कि हम सब गाय भैंस की तरह उस पे टूट पड़ते हैं। ये बेटा खाएगा? ओके मत खा।
थोड़ा आगे गए थे कि हमको एक आत्मनिर्भर ऑटो नजर आता है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। अबे ये तो ट्रैक्टर का साइलेंसर लग रहा है बे, कैसे धुआं निकल रहा है देख। हाँ बेटा, तेरे नीचे भी कोई गर्म पानी उबालेगा ना तो तेरे मुंह से भी ऐसे ही धुआं निकलेंगे। अरे कुछ जम नहीं रहा यार। भैया इंस्टा के लिए रील्स बना रही हूँ, थोड़ा सा सेव ज्यादा डालिए ना, अच्छा नहीं लग रहा वीडियो। हाँ प्याज नहीं देते क्या भैया? हाँ अब ठीक है। आप मुझसे कितना प्यार करते हो आज साबित करो। क्या आप मुझे अपना जीवन दे सकते हो? इतनी सी बात? ये लो पगली। ये क्या है? अरे पगली जल ही तो जीवन है, अपना जीवन दे रहा हूँ तुम्हें। तो कुछ इस तरह हमारा 3 दिन का सक्सेसफुल बरहमपुर ट्रिप आज खत्म हो जाता है, पर वादा करते हैं हम जल्दी वापस आएंगे। इस उम्मीद के साथ आज का वीडियो को यहीं रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।